विधि डिजाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सलवार की मोहरी का एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने बुकरम का पीस लिया है, ये फोम की बुकरम है। इसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को जहाँ पर डबल फोल्ड किया था वहाँ से मिला देंगे और अब इसको हम काट देंगे। अब हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इसको इस प्रकार रखकर यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। ये देखिए, हमारी शेप कुछ इस प्रकार आएगी। अब हम इसको कपड़े पर रखेंगे। कपड़े पर हम सीधी साइड रखेंगे और एक पंजे की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और हम एक पंजे की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। अब हम पोंचे को उल्टी साइड रखेंगे, यहाँ से हमें पोंचे की शेप अच्छे से दिखाई देगी और इस प्रकार रखकर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम पोंचे को सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर एक पंजे की दूरी पर सिलाई को लगा लेंगे। और अब हम इसमें लहर बनाकर तैयार कर लेंगे। लहर हम दोनों लाइन में बनाएंगे। अब हम बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे और उससे आगे हम 3.5 इंच पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक पंजे की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम तीनों निशानों पर लगाएंगे और इन निशानों को हम गोलाई में मिला देंगे। इसी प्रकार से हम सभी निशानों को कंप्लीट कर लेंगे और अब इनके ऊपर हम सिलाई को लेकर आएंगे। सिलाई हम बिल्कुल निशान के ऊपर से लेकर आएंगे। अब हम पहले नीचे की साइड एक पंजे की दूरी पर सिलाई को लेकर आएंगे। अब हम पहले सिलाई को सीधी लेकर आएंगे और यहाँ पर कोने में रोक देंगे और अब हम वापस लेकर आएंगे और यहाँ पर रोककर ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बनाएंगे।
यहाँ पर भी हम इसी प्रकार डिजाइन बनाएंगे। और इसी प्रकार हम पूरे पोंचे में यही डिजाइन बनाएंगे। ये हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड लहर बनाएंगे। लहर हम गोलाई में लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम गोलाई में लहर बनाते हुए पूरे पोंचे में बना देंगे। अब हम पहले एक बॉक्स को भरेंगे। इसी प्रकार हम सारे बॉक्स को लहर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए। और जो अब हमने बीच सेंटर पर निशान लगाए थे उनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम इसमें लेस लगाएंगे, ये देखिए हमने पतले वाली लेस ली है। और जो हमने बीच में गोलाई की सिलाई लगाई थी लेस को वहीं पर लगाएंगे। ये देखिए हमने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसमें हमने बटन्स भी लगा दिए हैं।